Hi guys and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I'm going to show you all how I clean my makeup brushes, makeup sponges, how I store them, how I take care of them. So if you guys are interested in knowing then please keep on watching. तो मैं आज ये सारे मेकअप ब्रशेस और मेकअप स्पंज धोने वाली हूँ तो स्टार्ट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक माई सिग्मास ब्रश क्लीनिंग ग्लव. जो ये वाला साइड है वो आई ब्रशेस के लिए और ये जो वाला साइड है वो फेस ब्रशेस के लिए है. तो आज मैं सबसे पहले अपने आई ब्रशेस क्लीन करने वाली हूँ. मैं नॉर्मली भी हमेशा आई ब्रशेस के साथ ही स्टार्ट करती हूँ, पता नहीं क्यों. तो मैं ये जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली मेरा हैंड वॉश है. आप कौन सा भी हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं. आप डेटॉल हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी लोग जॉनसन्स बेबी शैम्पू भी यूज़ करते हैं, बट I will not recommend that क्योंकि वो अच्छे से क्लीन नहीं करते ब्रशेस को. तो जैसे आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा जो अपने ब्रिसल्स है उनको वेट किया पानी के, रनिंग वाटर के अंडर, एंड उसे फिर बाद में ब्रश को स्वर्ल किया. और ये जो आप रिजेस देख रहे हैं, इट मेक्स श्योर कि आपके जो ब्रिसल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो. डीप क्लीनिंग होता है आपके ब्रशेस के जो है. ऐसे ही करके एक एक करके मैं अपने सारे जो ब्रशेस है अभी क्लीन करने वाली हूँ. Now under running water, I'm going to clean each and every brush. तो सबसे पहले जो भी एक्सेस होता है मेरे हैंड ग्लव के ऊपर मैं उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ जो फर्स्ट ब्रश है उससे, उसकी मदद से. और फिर बाद में जब मैट भी क्लीन हो जाता है साथ ही साथ में, मतलब मेरा ग्लव भी क्लीन हो जाता है और साथ ही साथ में मेरा ब्रश भी क्लीन हो जाता है. तो अगर आप देखेंगे अभी मैं इसे पिंच कर रही हूँ पूरा जो एक्सेस वाटर है ना उसको स्क्वीज़ आउट करने के लिए. तो ऐसे ही आपको हर एक ब्रश को धोना है और फिर उसको साइड में स्लीपिंग पोजिशन में आपके ब्रश को रख देना है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक पैक का सॉलिड ब्रश क्लीनर. आई एब्सोल्यूटली लव दिस ब्रश क्लीनर. और मेरे जो आई लाइनर ब्रशेस है ना जिससे मैं अपना जेल आई लाइनर लगाती हूँ, उन ब्रशेस को मैं इसके मदद से धोने वाली हूँ. द रीज़न इज़ कि कोई भी हैंड वॉश से या शैम्पू से ना इतने अच्छी तरीके से ये जो ब्रशेस है जिस पर जेल आई लाइनर लगा हुआ रहता है वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता है. तो आई प्रिफर यूजिंग सॉलिड ब्रश क्लीनर फॉर दैट. यू कैन ऑल्सो यूज़ एक्चुअली अ सॉलिड सोप, बट आई प्रिफर पैक का ब्रश क्लीनर. इट्स रियली नाइस. तो एग्जैक्टली मैंने अपने ये ब्रशेस को भी वैसे ही धोया है जैसे मैंने अपने बाकी सब ब्रशेस को वॉश किया है. तो अभी मैं अपने हैंड ग्लव का साइड चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे फेस ब्रशेस धोने हैं. तो मैं अपने फेस ब्रशेस को भी एग्जैक्टली उसी तरीके से धोने वाली हूँ जैसे मैंने अपने आई ब्रशेस को क्लीन किया था. तो अब क्लीन करते हैं मेकअप स्पंज को. तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट लगा हुआ है मेरे मेकअप स्पंज पर. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू वेट माय स्पंज अंडर रनिंग वाटर, एंड देन मैं अपना पैक का सॉलिड ब्रश क्लीनर लेने वाली हूँ और उस पर अपने स्पंज को इसे स्वर्ल करूँगी. आप चाहे तो आप कोई नॉर्मल सोप, सॉलिड सोप ही यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो ब्रश क्लीनर्स है वो प्रोडक्ट, यू नो, दे रिमूव ऑल द प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्पंजेस बहुत अच्छी तरीके से. तो आप देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है. तो आपको ऐसे बस ना ऐसे स्क्वीज आउट करना है, जितना भी प्रोडक्ट है वो सब अच्छी तरीके से फिर रिमूव हो जाएगा. और बाद में ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट वॉश था, उसके बाद मुझे फिर भी थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा था. तो अगेन आई वेंट इन सेकेंड टाइम एंड मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया.
और अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस कि मेरा स्पंज कितना क्लीन लग रहा है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉथ आई एम गोइंग टू स्क्वीज आउट ऑल द एक्सेस वाटर फ्रॉम माय स्पंज एंड फ्रॉम माय ब्रशेस। तो अभी मैं मैक का ब्रश क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टिश्यू लेने वाली हूँ, उसे फोल्ड करने वाली हूँ। आप कोई क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर मैं अपना ये जो ब्रश क्लीनर है टिश्यू पर पोर करने वाली हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ जो हमारे ब्रशेस के हैंडल्स होते हैं ना उससे क्लीन करने वाली हूँ। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज हमें रियलाइज़ नहीं होता कि जो हमारे ब्रशेस के हैंडल्स होते हैं उस पर भी मेकअप लग जाता है व्हेन यू स्टोर देम टुगेदर, लाइक मेकअप करने के बाद व्हेन यू नो कीप देम टुगेदर और उसमें अगर स्पंज भी आ जाए तो हमारे हैंडल्स पे ना ऐसे मेकअप लग जाता है एंड इट्स नॉट गुड। यू नो आपके ब्रशेस को आपको क्लीन रखना है, जर्म फ्री रखना है तो और मेकअप फ्री रखना है कि उनके हैंडल्स पे ना लगे, राइट? तो जैसे हम अपने ब्रशेस का भी ख्याल रखते हैं बहुत ज़रूरी है कि हम उनके हैंडल्स का भी ख्याल रखें। तो आप अपने मेकअप ब्रशेस के हैंडल्स को क्लीन करने के लिए मेरी तरह ब्रश क्लीनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी यूज़ करते हैं जिसको IPA बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये ब्रश पर थोड़ा सा जेल आईलाइनर लगा हुआ है वो फेरल के ऊपर, तो मैं उसे क्लीन करने वाली हूँ अपने ब्रश क्लीनर से। और आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं स्पॉट क्लीनिंग पर। तो मैं वापस अपना मैक का ही ब्रश क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ और इसे इस बार मैंने अपने कॉटन पैड पे पोर किया है। आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं या कोई क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्जैक्टली जैसे हम नॉर्मल डीप क्लीनिंग ब्रशेस धोते हैं वैसे ही मैं अपने इस ब्रश को ये कॉटन पैड पे स्वर्ल कर रही हूँ और उसे क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेकअप ब्रश है अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लेट माय ब्रशेस एयर ड्राई एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू ले दीज ब्रशेस फ्लैट लाइक सो एज यू कैन सी सो दैट द ब्रिसल्स आर हैंगिंग ओवर द एज। एंड प्लीज़ गाइज अपने ब्रशेस को अच्छी तरीके से ड्राई होने दीजिएगा। And for my sponge, I'm going to take that same napkin और ऐसे बस उसे रखने वाली हूँ और उसके ऊपर अपने स्पंज को प्लेस कर दूँगी ताकि वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। एंड ये है मेरे सारे क्लीन ब्रशेस गाइस। So that is how I clean my makeup brushes and makeup sponges. And ये जो टेक्निक है मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रही हूँ। आई हैव बिन क्लीनिंग माई ब्रशेज एग्जैक्टली द सेम वे एंड माई स्पंजेस ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम वे और आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। मेरे ब्रशेज भी कितने पुराने हैं एंड देर स्टिल इन वेरी वेरी गुड कंडीशन। सो दिस टेक्निक वर्क्स फॉर मी, इसलिए मैं इतने सालों से यही टेक्निक यूज़ करते आ रही हूँ। ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू वॉश योर ब्रशेज, क्लीन योर ब्रशेज, कभी भी धोने के बाद आप अपने ब्रश को ऐसे वर्टिकली मत रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो पानी है वो फेरल के अंदर जाए एंड इसका जो ग्लू है जिसको जो हेयर है जो ब्रिसल्स है इसको जो होल्ड करता है, यू डोंट वांट दैट ग्लू टू लूजन अप। और फिर बाद में आप नहीं चाहते कि ये शेडिंग हो इस इनके जो हेयर होते हैं उसके, यू डोंट वांट कि शेडिंग हो। सो यू जस्ट वांट टू कीप दैट इन माइंड कि व्हेनेवर यू वॉश योर ब्रशेस प्लीज़ डू नॉट कीप योर ब्रशेज
in vertical position or in standing position, rather उसे ऐसे position में रखिए, उसे in sleeping position, in horizontal position. And also आप जब भी makeup application करते हैं, please make sure that you clean your brush or brushes every single time, clean your makeup sponges every single time. एंड हो सकता है तो डीप क्लीनिंग ही करिएगा, स्पॉट क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं, बट डीप क्लीनिंग एनी डे बेटर होता है आपकी स्किन के लिए भी. मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो यू नो मेकअप लगाते हैं, फिर वो ब्रश एक एक हफ्ता ऐसा ही रहता है, मेकअप आपके ब्रश पर रहता है एंड देन धोते नहीं है वो, एंड देन वही ब्रश वापस यूज़ करते हैं मेकअप अप्लाई करने के लिए. सो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी गलती नहीं हो क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं है. तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो है कि अगर आप श्योर नहीं है कि आपको मेकअप ब्रशेस कैसे धोना है, कैसे स्टोर करना है, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए ये वीडियो मैं बनाती हूँ. तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वेर एंड हाउ आई स्टोर माई मेकअप ब्रशेस. तो मेरे पास ऐसा ये डब्बा है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, ये मेरी मॉम ने अपनी फ्रेंड से मंगाया था. तो मेरे पास ये दो डब्बे हैं मेरे मेकअप ब्रशेस के लिए. आई हैव वन मोर जो मैंने अपने थोड़ा दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए रखा है. सो या तो एक डब्बे में आई कीप ऑल माई फेस ब्रशेस. सो यहाँ पे मेरे सारे फेस ब्रशेस हैं एंड दूसरे वाले ये वाले डब्बे में सारे आई ब्रशेस हैं और मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं. एंड आई एब्सोल्यूटली लव दीज डब्बास. द रीज़न आई लव दीज डब्बास इज बिकॉज मैं जितने भी मेकअप ब्रशेस हैं इन बॉक्सेस में ना ऐसे सेफ है. आप जानते हैं कि मुंबई में कितनी धूल है, तो पहले मैं अपने मेकअप ब्रशेस जो है इस होल्डर में रखा करती थी, जितने भी मेरे सारे मेकअप ब्रशेस हैं. लेकिन इतनी धूल है कि सारा जो धूल है वो मेरे मेकअप ब्रशेस पे आके ऐसे बैठ जाता था और फिर क्लीन करना एक बहुत ही बड़ा पेन हो जाता था. एंड एवरी सिंगल टाइम मेकअप करने के पहले मुझे पहले स्पॉट क्लीनिंग करनी पड़ती थी. ये जब डब्बे आए मेरे लाइफ में, वेरी वेरी हैप्पी, बिल्कुल धूल का टेंशन नहीं है, कुछ धूल नहीं जाती है मेरे मेकअप ब्रशेस पर और मेरे सारे ब्रशेस जो है सेफ है. तो अगर आपके घर में भी बहुत धूल आती है, आई विल रेकमेंड कि आप ऐसे डब्बे अगर आपको मार्केट में मिलते तो ले लीजिए और अपने सारे ब्रशेस है इसमें स्टोर कीजिए. काफ़ी एक्चुअली जगह है, मेरे काफ़ी ब्रशेस अच्छे से स्टोर हो जाते हैं, काफ़ी जगह है, आप देख सकते हैं. मैं तो आई ब्रशेस और भी खरीद सकती हूँ और इसमें स्टोर कर सकती हूँ. सो या सो ये थे मेरे डब्बे जिसमें मैं अपने ब्रशेस स्टोर करती हूँ. ऑल्सो मैं जब अपने मेकअप ऑर्डर्स पे जाती हूँ तब मैं ये ब्रश बेल्ट अपने साथ कैरी करती हूँ. मेरे सारे जो ब्रशेस है इस बेल्ट में स्टोर होते हैं. ये है पैक का ब्रश बेल्ट, बहुत अच्छा है. तो इसमें भी फ़िलहाल कोई ब्रशेस नहीं क्योंकि मैं किसी ऑर्डर पे जा नहीं रही हूँ. तो यहाँ पे ऐसे मैं अपने जो ब्रशेस है स्टोर करती हूँ. तो यहाँ पे सारे फर्स्ट लाइन में ना यहाँ पे सारे फेस ब्रशेस होते हैं, फिर ये वाले लाइन पे आई ब्रशेस होते हैं. जैसे ऐसे काफ़ी जगह है, काफ़ी ब्रशेस आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं इसमें. तो मैंने सोचा आप सभी को ज़रा ये भी बता दूँ. सो दैट इज़ हाउ आई क्लीन एंड स्टोर माई मेकअप ब्रशेज गाइज एंड ऑल्सो माई मेकअप स्पंजेस. एंड आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो प्लीज़ हिट ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू गाइज आर नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड या आई शॉल सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन. अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रिवाइविंग योर ओन फैशन. Hi guys and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel, okay, so that is okay, just